हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यू एनालाइजर तो आज हम ट्वेंटी सिक्स मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यू एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है योगी स्टार्ट सेकेंड टर्म इज यू पी एम टू डेप्यूटीजीजीज एंड फिफ्टी मिनिस्टर्स तो यूपी में सेकंड टर्म चीफ मिनिस्टर बने हैं योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ टू वन फ्राइडे इवनिंग इन लखनऊ फॉर अ सेकंड स्ट्रीट टर्मस चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी पी यहाँ पर सेकंड न्यूज इन न्यू डेली पुट्स ओनस ऑन बीजिंग बेटर टाइज ओनली इफ यू डिस अब यहाँ पर चाइना के फॉरन मिनिस्टर वोंग ही इंडिया आए हुए हैं लेकिन इंडिया ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि इंडिया और चाइना के बायोलिटरल रिलेशन तभी रिवाइव हो सकते हैं अगर यहाँ पर चाइना अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिस करता है जयशंकर सेट द सिचुएशन इन द रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल क्योंकि चाइना ने यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट हुए थे इंडिया चाइना के बीच में चाइना ने उनका कॉन्ट्रोवेंशन किया है और नॉर्मेलसी तभी रिस्टोर हो सकती है अगर चाइना यहाँ पर अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिस करता है तो आफ्टर टू ईर्यस ऑफ द स्टैंड ऑफ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना इज सिग्नलिंग दैट इट इज कीन टू ब्रिंग टाइज बैक ऑन ट्रैक बाई रीचिंग आउट द फॉरन मिनिस्टर लेवल विजिट बट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम इंडियाज परसपेक्टिव हमने यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि टाइज तभी नॉर्मल हो सकती है अगर यहाँ पर चाइना अलॉंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिस करता है आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं ही प्रपोज अ थ्री पॉइंट अप्रोच तो यहाँ पर वोंग वांगी आए थे उन्होंने थ्री पॉइंट अप्रोच बताई है जिसके बेसिस पे इंडिया और चाइना के बायोलेटरल रिलेशन को रिवाइव किया जा सकता है अब यहाँ पर थ्री पॉइंट अप्रोच में पहला वोंग वागी का ये कहना था कि हमें लॉन्ग टर्म विजन रहकर अपने बायोलेटरल रिलेशन को रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए दूसरी बात हमें दोनों ही कंट्रीज के डेवलपमेंट को विन विन मेंटेलिटी से देखना चाहिए ऐसा नहीं है कि जीरो सम गेम की अगर एक कंट्री यहाँ पर डेवलप करेगा तो वो दूसरे की कॉस्ट पर ही करेगा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है हमें विन विन मेंटेलिटी में हमें डेवलपमेंट करना है तीसरी बात बोथ कंट्रीज शुड टेक पार्ट इन द मल्टी लेटरल प्रोसेस विद अ कोऑपरेटिव पॉस्चर तो बेसिकली उन्होंने अपनी थ्री पॉइंट अप्रोच यहाँ पर देकर गई हैं ये आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है कोई डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पर अब डेली में आउटकम बजट और यहाँ पर आउटपुट बजट बताया गया है अब आउटपुट बजट तो बेसिकली यहाँ पर जैसे पंद्रह स्कूल्स बनाने थे तो पंद्रह बने या दस बने और आउटकम का मतलब ये है कि उन पंद्रह स्कूल्स या दस स्कूल्स जो भी बने उनसे बेनिफिट कितने लोगों हुए तो हाउ मच बजट इज एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हाउ मच मनी यू स्पेंड फ्रॉम दैट बजट हाउ मच वर्क वाज कंप्लीटेड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी स्कीम दैट इज़ आउटपुट और उससे बेनिफिट कितने लोगों को मिला है दैट इज आउटकम तो बट आउटकम इज द नंबर ऑफ पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम दैट मोहल्ला क्लिनिक और एनी सर्विस डिलीवर्ड तो यहाँ पर आउटकम और आउटपुट बजट यहाँ पर डेली गवर्नमेंट ने पेश किया है आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये हम डिस्कस करेंगे एस सी रिलीफ फॉर पर्सन विद डिसबिलिटीज़ अलाउज देम टू ऑप्ट फॉर पुलिस सर्विस इन एन इंटेरम ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अलाउड कैंडिडेट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है लेकिन उन्होंने अगर सिविल सर्विसेज रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं टू इंडियन रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस एज वेल एज डेली दमन दीव दादर एंड नगर हवेली अंदामन एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षदीप पुलिस सर्विसेज। अब यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना था कोर्ट का ये कहना था कि अगर पर्सन विद डिसबिलिटीज को ब्लैंकेट एग्जैम्शन कर देते हो तो बेसिकली आप यहाँ पर आर्टिकल फोर्टीन को वॉयलेट कर रहे हो तो दैट द ब्लैंकेट एग्जामेशन ऑफ पर्सन विद डिबिलिटीज फ्रॉम ऑक्यूपाइंग आई पी एस डेनिप्स एंड आई आर एफ एस आउटलाइन इन द इम्पाड नोटिफिकेशन इज मैनिफेस्टली आर्बिट्री एंड दिस वोलेट ऑफ आर्टिकल फोटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी यहाँ पर सेंटर को टाइम दिया गया सेंटर अपलाई करेगा उसके बाद जो फाइनल जजमेंट आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे तो अपियरिंग फॉर द सेंटर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल सेट ही वुड नीड टू वीक्स टाइम टू फाइल अ अपलाय तो अब हम बाद में भी डिस्कस करेंगे यहां पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं ये हम डिस्कस कर लेते हैं अब चाइना के साथ हमारा एक और इशू ये है कि जब से यहाँ पर कोविड आया है चाइना ने चाइना में जो भी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो वापस आ गए थे तो उस समय लेकिन अब वो वापस आने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है तो यू जी सी वॉन्स स्टूडेंट्स अगेंस्ट चाइना वेर सिटीज सेज़ ऑनलाइन डिग्रीज इन वैलिड तो यहाँ पर अगर आप मेडिकल पढ़ रहे हो और आप पाँच साल का जो पूरा कोर्स आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बेसिकली आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं तो यहाँ पर यू जी सी ने ऐसे कोर्सेस को रिकोगनाइज़ करने से मना कर दिया इसका मतलब ये कि अब जो जो भी नए बच्चे यहाँ पर चाइना जाकर पढ़ने की सोचेंगे तो उनको ये बात पता होगी कि इंडिया में उनको रिकोगनाइज़ नहीं किया जाएगा तो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इन चाइना क्योंकि चाइना ने अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर अपने ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन को ईज नहीं किया है और जिसकी वजह से यहां पर जो स्टूडेंट्स है वो इन पर्सन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एग्जांपल मेडिकल इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यहाँ पर यू जी से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया तो फर्दर इन अ वेल्ड वार्निंग द हायर एजुकेशन रेगुलेटर इनफॉर्म द स्टूडेंट्स दैट इट डज नॉट रिकॉगनाइज डिग्री कोर्सेज डन ओनली इन ऑनलाइन मोड विदाउट प्रायर अप्रूवल ये इशू भी फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने यहाँ पर चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है कि आप यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टैंड आपने ले रखा और इंडिया के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे हो तो ये बात यहाँ पर मेंशन भी है मिनिस्टर वोंग ई ए मी दैट ही वुड स्पीक टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज ऑन हिज रिटर्न ऑन दिस मैटर ही आल्सो रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर कंसर्स दैट मेडिकल स्टूडेंट्स हैव इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन अब सी कैसे केसेज को इन्वेस्टिगेट करता है ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिटेल में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वो यहाँ पर सोओ मोटो कॉग्नीजेंस ले सकती है लेकिन सीबीआई बी यहाँ पर सो मोटो कागनीजेंस नहीं ले सकता तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीबीआई बी आई मोटो काग्नीजेंस नहीं ले सकता है भले वो करप्शन का मैटर हो किसी का भी मैटर हो या वॉयेंट क्राइम का मैटर हो सी बी पर सोओ मोटो कागनीजेंस ले ही नहीं सकता है तो अनलाइक द एन आई ए सी बी सी टेक सो मोटो कॉगनीजेंस ऑफ अ केस इन अ स्टेट वेदर इन अ मैटर ऑफ करप्शन और इन इंसिडेंट ऑफ वॉलेंट क्राइम अब यहाँ पर दूसरा इशू हम डिस्कस करते हैं अगर करप्शन केसेस हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ इन्वॉल्व है तो इन ऑर्डर टू तो टेक अप करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सीबीआई को स्टेट से जनरल कंसेंट लेने की या तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंसेंट लेने की तो जनरल कंसेंट यहाँ पर अगर स्टेट्स ने दे रखी होती तब तो यहाँ पर कोई कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन अगर यहाँ पर स्टेट्स ने जनरल कंसेंट को विद्रॉ कर रखा है तो यहाँ पर केस टू केस बेसिस पे के स्पेसिफिक कंसेंट लेनी पड़ती है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ से कंसेंट कोई करप्शन केसेज है तो यहाँ पर स्टेट से जनरल कंसेंट अगर जनरल कंसेंट विदड्रॉ कर रखी है तो यहाँ पर केस टू केस बेसिस स्पेसिफिक कंसेंट लेनी पड़ेगी फॉर ऑल अदर केसेस विद एन इन्वाल्विंग करप्शन इन द स्टेट गवर्मेंट और इन इंसिडेंट ऑफ क्राइम लेकिन अगर करप्शन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को लेकर है तो यहाँ पर स्टेट रिक्वेस्ट कर सकती है सी से कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करो अब सी इन्वेस्टिगेट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए सेंटर को एग्री होना जरूरी होता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी स्टेट ने रिक्वेस्ट की सीबीआई से कि आप इस केस को देखो तो उसके बाद यहाँ पर सेंटर सीबीआई से पूछेगा कि आप इस केस को देख सकते हो तो सीबीआई बताएगा कि उसके पास वर्क फोर्स की कमी है या इसकी कमी है जिसकी वजह से वो नहीं देख सकता या वो देख भी सकता है लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता दस परसेंट केसेज ऐसे होते हैं जिसमें सेंटर बिना सीबीआई से कुछ भी पूछे डायरेक्टली यहाँ पर स्टेट को हाँ कर देगा कि हाँ यहाँ पर सीबीआई इस केस को देखेगा तो आफ्टर अ स्ट मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर एन इंक्वायरी बाय द सीबीआई द सेंटर सीक्स द ओपिनियन ऑफ द एजेंसी तो यहां पर अगर कोई स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि इस केस में सी बी आई यहाँ पर इंक्वायरी करे तो सेंटर यहाँ पर ओपिनियन लेता है एजेंसी का लेकिन हर केस में नहीं लेता है टेन परसेंट केसेज में सेंटर खुद से ही अपना ओपिनियन दे देता है तो इफ द सी बी आई फीज दट इट इज नॉट वर्थ वाइल फॉर इट टू एक्सपेंड टाइम एंड एनर्जी तो यहाँ पर जो सी बी आई है वो मना भी कर सकता है अब यहां पर एक और केस ये है इन केस द स्टेट डज नॉट मेक सच अ रिक्वेस्ट लेकिन सी तब भी टेक ओवर कर सकती है केस को अगर यहाँ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि ये केस जो है सी इसको इन्वेस्टिगेट करे तब भी यहाँ पर सी बी टेक ओवर कर सकती है केस को सी बी कंट्री की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है और ये सिर्फ सारे ही केसेस को तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती तो बेसिकली उन्हीं केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है जो कि कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव केसेस होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया टेन परसेंट केसेज में यहाँ पर जो सी है उसको सेंटर डायरेक्टली बता देगी कि आपको इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है और इसमें यहाँ पर सीबीआई की राय नहीं मांगी जाएगी तो अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मस सीबीआई ऑफिसर्स इन नाइन आउट ऑफ टेन द सेंटर सीक्स ओपिनियन ऑफ द एजेंसी बिफोर एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग अ केस इन टेन परसेंट ऑफ द केसेज द सेंटर डायरेक्टली ऑर्डर्स द रजिस्ट्रिंग ऑफ अ केस इफ इट सूट द रूलिंग डिस्पेंसेशन टू डू सो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ने डेंटल कंसर्न को विड्रॉ कर लिया है लगभग नौ स्टेट्स हैं जिन्होंने जनरल कंसर्ण्स को विड्रॉ कर लिया वो है महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ केरला मिजोरम मेघालय तो इन सारे स्टेट्स ने जनरल कंसेंट टू द सी बी कर लिया जिसकी वजह से अगर सी को इन केस इन स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन करना है तो बेसिकली यहाँ पर केस टू केस बेसिस स्पेसिफिक कंसेंट लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर परमिशन ग्रांट कर ही नहीं रहे हैं तो विद्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट मींस दैट टू प्रूव एनी केस इन दीज स्टेट सी बी आई वु हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट सी आई हैज क्लेम दैट दिस हैज़ टाइड इट्स हैंड्स अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे वॉट सेंटर वॉन्ट्स टू चेंज इन डेली सिविक बॉडी ये हम डिस्कस करेंगे अब ई यू का एक एक्ट आ रहा है डिजिटल एक्ट अब डिजिटल एक्ट क्या अचीव करना चाहता है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे तो डिजिटल मार्केट्स एक्ट है ई यू का वॉट आर द टारगेट्स ऑफ द डीएमए तो डिजिटल मार्केट एक्ट का जो फोकस है वो है गेट कीपर कंपनीज अब इनको गेट कीपर क्यों बोला गया एप्पल फेसबुक गूगल को अब गेट कीपर इनको क्यों बोला गया ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द रीजन द लॉ रिफर्स टू दीज कंपनीज एज गेट कीपर्स क्योंकि ये जो कंपनी है ये यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करती हैं ऐप्स को लेकर एड्स ऑन द प्लेटफॉर्म और ईवर कम्युनिकेशन तो बेसिकली ये सब कुछ कंट्रोल करती हैं इसीलिए इन कंपनीज़ को यहाँ पर गेट कीपर्स बोला गया है अब डीएमए के प्रपोजल क्या है डिजिटल मार्केट्स एक्ट के प्रपोजल क्या है तो रूल्स स्टेट डेट द यूज़र विल हैव द राइट टू चूज एंड इंस्टॉल देयर एप्स तो बेसिकली यहाँ पर जो फोन्स आते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ नहीं आएंगे जिस भी यूजर को जो भी एप डाउनलोड करना है वो कर सकता है तो दे ऑल्सो क्रैक डाउन ऑन प्री इंस्टॉल्ड एप्स कॉमन इन एप्पल गूगल एंड अदर्स द प्रेस स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट यूजर्स विल नॉट बी फोर्स टू यूज दिस सॉफ्टवेयर वाई डिफॉल्ट वेन इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अब जैसे आईफोन्स आते हैं उसमें सफारी आई मैसेज सीढ़ी पहले से प्रीलोडेड होता है तो वो सब अब प्रीलोडेड नहीं होगा यहाँ पर यूजर के पास ऑप्शन होगा कि वो किसे यहाँ पर डाउनलोड करना चाहता है तो यू वॉन्स इंटर ऑपरेटिबिलिटी इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल मार्केट्स एक्ट में इंटर ऑपरेटिबिलिटी की बात की फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर एप्पल का फोन यूज़ कर रहा है तो उसके में आई मैसेज है लेकिन कोई यहाँ पर एंड्रॉइड का फोन यूज़ कर रहा है तो व्हाट्सएप है उसके पास तो व्हाट्सएप और आई मैसेज में आसपास में यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो सके तो उसके लिए यहाँ पर इंटर ऑपरेटबिलिटी इन्श्योर करनी है इन कंपनीज को तो यू वॉन्स इंटर block credibility between the basic functionalities of messaging services this could mean that a user on whatsapp and one on i message should be able to communicate to each other अब इंटर ऑपरेटेबिलिटी कैसे काम करेगी ये इन कंपनीज को देखना है द रूल्स ऑल्सो कॉल फॉर फेयर एक्सेस कंडीशन टू एप स्टोर ओन बाई द गेट कीपर्स दे नोट दट गेट कीपर्स मस्ट अलाउ द इंस्टॉलेशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर एंड्रॉइड है तो आप उनका ही इन ऐप पेमेंट सिस्टम यूज कर सकते हो एप्पल uh, का फ़ोन है तो उसका ही इन ऐप पेमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हो जिसके लिए साउथ कोरिया एक लॉ भी लेकर आया था कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन ऐप्स को भी अलाउ किया जाएगा तो दे नोट दैट गेट कीपर्स मस्ट द इंस्टॉलेशन एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टोर्स

यूज़र डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है वो है जी डी पी आर तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है ये ई यू का ही है यूरोपियन यूनियन का इतना आपको पता होना चाहिए बाकी ऐसा आपको सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन मेन्स आंसर राइटिंग में कि ये जो बिग टैक्स इन को कैसे रेगुलेट किया जाए तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स कोट कर सकते हैं आगे हम चलते हैं ये हम डिस्कस नहीं करेंगे ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे आर फिल्म आर हिस्ट्री अब यहाँ पर सेंटर का ये डिसीजन था कि यहाँ पर जो कुछ फिल्म यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाए जैसे कि नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया फिल्म्स डिवीजन चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स तो यहाँ पर ये डिसीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का दे हैव डिसाइडेड टू क्लोज ऑल रीजनल एंड नेशनल ऑफिसर्स ऑफ़ द एफ डी एन एफ ए आई सी एफ एस आई एंड डी एफ एफ और इनको अंडर ले ले आया जाएगा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तो बेसिकली ये सारी बॉडीज अब एक्जिस्ट नहीं करेंगी अब सिर्फ जो एक्जिट करेगा वो है एन तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो बेसिकली ऑथर ने यही बोला है कि इन बॉडीज़ को बंद करने की जरूरत नहीं है हमें जरूरत है यहाँ पर ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको एक तरीके से कल्चर की तरह देखने रह के लिए एक स्टेटस ऑफ आर्ट को देने के लिए ना कि हमको इनको, 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 इनको इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की मीडियम रह की तरह देखने की जरूरत है तो सेवल कंट्रीज लाइक द यू एस यू के फ्रांसलीवॉडेड स्टेटस ऑफ आर्ट बट आर गवर्नमेंट स्टिल व्यूज इट इज़ अ मीडियम फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बस आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि इन चारों बॉडीज जो है उनको ख़त्म कर दिया गया और उसको यहाँ पर एक बॉडी के अंदर लेकर आया गया है जो कि है एन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन दाथ सेट इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ये हम डिस्कस करेंगे फॉरन पॉलिसी एंड यू तो इससे हमें गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पर फॉरन पॉलिसी अपनी रखती कैसे है तो अ गुड फॉरन पॉलिसी मस्ट वर्क फॉर यू ऑल योर एवरीबडी नीड्स फ्राम द वर्ल्ड मस्ट भी बटर मेट एंड सिंस वी आर एज कलेक्टिव एज अ कंट्री आर नेशनल सिक्योरिटी मस्ट भी एश्योर तो हमारी फॉरन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी सिटीजनस की नीड है वो यहाँ पर फुलफिल हो और एज अ कलेक्टिव हम देखें तो हमारी जो फॉरन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर एश्योर रहे फॉरन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी कैपिटल इंडिया में आए एंड ऑब्वियसली वी वुड ऑल लाइक टू भी स्ट्रॉन्ग एंड वी वुड लाइक टू लुक गुड एंड वी लाइक टू फील अप्रिशिएटेड तो यहाँ पर जैसे क्लाइमेट को लेकर कोई डिबेट है तो इंडिया उसमें लीडरशिप रोल रहे हमारी ऐसी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि फॉरेन पॉलिसी हर पर्सनल इंसान के लिए कैसी होगी फॉर एक्जाम्पल यूक्रेन में कोई स्टूडेंट फंसा हुआ है तो उसके लिए फॉरन पॉलिसी के क्या मायने हैं और कोई अगर इंडिया में है तो उसके लिए फॉरन पॉलिसी के क्या मायने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ तो वो यही चाहेगा कि उसकी गवर्नमेंट यहाँ पर उसको वहाँ से निकाल ले वैक्यूट कराए तो दिस इज वन यू रियली लुक टू अ गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट एंड एक्स्ट्रिकेशन एंड इंड डी दिस इज वन द इटायर फॉरन पॉलिसी अप्रेटर स्विंग सिंग टू एक्शन एज इट डेड थ्रू ऑपरेट कंगा तो यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स उनको वैकवर्ड वैक वैक कराने के लिए जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम था तो ऑपरेशन कंगा उसके बाद जब यहाँ पर फर्स्ट कोविड वेव हिट की थी तब यहां पर पीपीई किट्स की कमी हो गई थी इसके अलावा वेंटिलेटर्स की कमी हो गई थी तब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से देखा कि जो फॉरेन नेशंस है वो हमें इन सारी चीज़ों की सप्लाई कर सकें तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के लिए क्या ज़रूरत है फॉरेन पॉलिसी की इसके अलावा कोई बिजनेस मैन है वो ये चाहता है कि उसको यहाँ पर फॉरेन मार्केट्स की एक्सेस मिल जाए तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी इसीलिए ज़रूरत है लेकिन जो इंडिया में है उसके लिए भी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी का मैटर है और अगर आपकी फ़ॉन पॉलिसी अच्छी होगी तभी आप डिप्लोमेसी से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो फॉर एक्जाम्पल यूक्रेन और रशिया में वॉर क्यों हुआ क्योंकि उनकी फॉरन पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि वो यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें तो वेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एक्सटर्नल और इंटरनल कर सकता है अगर इंडिया की फॉरन पॉलिसी बहुत ही अच्छी होती है तो इंपैक्ट योर वेरी एक्जिस्टेंस एंडर वी शुड नॉट अटर सोलूशन अब जो वर्ल्ड है वो सेल्फ इंटरेस्ट चलता है तो इंडिया को अपने ही इंटरेस्ट का यहाँ पर हमारे जो फॉरेन पॉलिसी वो हमारे इंटरेस्ट को लेकर बनी है ना कि किसी और कंट्री के इंटरेस्ट को लेकर ना ही हम वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड है ना ही हम रशिया की तरफ इंक्लाइंड है हम सिर्फ अपनी तरफ इंक्लाइंड है हम सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेंगे तो इंक्रीजिंगली फॉरेन पॉलिसी फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपेसिटीज एट होम जैसे कि हमने जापान के साथ कोलाबोरेन करके बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आए तो इट मे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटो मैनुफेक्चरिंग फूड प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग जैसे इसराइल से हम यहाँ पर ड्रिप इिगेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो जिस कंट्री के पास जैसी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हमारी फॉरन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी हमें वो कंट्री दे तो इट मे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग मेट्रोज और बुलेट ट्रेन स्पेस केपेबिलिटीज और न्यूक्लियर एनर्जी द ऑफ फॉरन कोलाबरेशन आर देयर टूडे फॉर ऑल ऑफ टू सी अब सिक्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स में यहां पर पॉलिसी मेकर्स और इंप्लीमेंटर्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि हमारे कौन से छह ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वन वी मस्ट ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ थिंकिंग इन द वर्ल्ड अबाउट अस तो दुनिया यहाँ पर इंडिया के बारे में क्या सोचती है उस थिंकिंग को हम चेंज कर सकें टू द पार्टनरशिप वी शुड क्रिएट जो भी हम पार्टनरशिप क्रिएट करें वो इक्वल टर्म्स पे क्रिएट करें और अगर स्मॉलर नेशंस तो जो जेनरस टर्म्स पे क्रिएट करें चाइना की तरह नहीं कि उनको आप डेट ट्रैप में डाल दो तीसरी बात द ग्लोबल एजेंडा एंड द बिग इशूज ऑफ टाइम शुड बी शेप्ड बाई इंडिया एज मच एज पॉसिबल तो यहाँ पर जो भी बिग इशूज है उसमें इंडिया का एक लीडरशिप रोल रहे फोर फॉरन रिलेशनशिप शुड भी एक्टिवली एक्सप्लोर्ड एंड लेवरेज फॉर डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस फाइव द वेरी कॉन्सेपचुलाइजेशन ऑफ फॉरन पॉलिसी शुड बी मोर पीपल सेंट्रिक तो यहाँ पर लोगों को ध्यान में रख के हमारी फॉरन पॉलिसी बनी होनी चाहिए और सिक्स जो हमारा कल्चर है वो दुनिया में परकुलेट हो जैसे कि योगा और आयुर्वेदा आज योगा और आयुर्वेदा हर जगह फे, फेमस है इंटरनेशनल योगा डे तक हो चुका है आगे हम चलते हैं ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात की गई है तो आर रिफॉर्मर ऑन द बेंच तो ये आर्टिकल बेसिकली आर सी लाहौती के ट्रिब्यूट में लिखा गया है तो ही इज़ नो मोर ही वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इफ़ एनी फॉर्मर सीजे अदर दिन द शाह बानो के शाह बानो केस आपको पता है यहाँ पर हम दो केसेस डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर मुस्लिम्स में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी तो देर हैज़ बीन एन एमोनेबल प्रैक्टिस इन इंडिया अंडर विच वन अ डिजर्टेड मुस्लिम वाइफ तो यहाँ पर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिजर्ट कर दिया है. यहाँ पर डिवॉर्स नहीं किया है डिज़र्ट कर दिया है आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ वेटिंग फॉर री तो यहाँ पर जो वाइफ है वो बहुत टाइम तक वेट करती रही दस साल तक पंद्रह साल तक कि अब रिकन्सिलेशन हो जाएगा लेकिन रिकन्सिलेशन नहीं होता है फिर वो क्या करती है वाइफ वो वाइफ यहाँ पर कोर्ट में जाती है और कोर्ट से बोलती है कि मुझे फाइनेंशियल रिलीफ दिलाओ मेरे हस्बैंड से क्योंकि मेरी कंडीशन ख़राब हो गई और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने दस पंद्रह साल से अभी तक रिकन्सिलेशन नहीं किया है अब यहाँ पर हस्बैंड क्या करता था हस्बैंड ये बोलता था कि मैंने उसको क्वाइटली तरीके से डिवॉर्स दे दिया इसीलिए मेरी तो कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनती ही नहीं है तो अनस्क्रिप्टल्स हस्बैंड ट्राइज टू डिफीट हर राइटफुल क्लेम बाई प्रटेंडिंग टू हैव क्वाइटली डाइवोर्ड हर समाइम इन द पास्ट इन मैनी ओल्ड केसेज अब कॉलोनियल रूल में जब ही हस्बैंड ये बोलता था कि मैंने तो डिवॉर्स uh, दे दिया है क्वाइटली तरीके से डिवॉर्स दे दिया है और ये कैसे है? से मेरी फाइनेंशियल फाइनेंशियलिटी हो ही नहीं सकती है तो इन केसेस में जो पहले जजमेंट्स थे वो हस्बैंड के फेवर में आते थे लेकिन यहां पर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौती ने जजमेंट दिया था तब उन्होंने क्या जजमेंट दिया था वो हम डिस्कस करेंगे तो इन मेनी ओल्ड केसेस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द कोर्ट्स हैड एक्सेप्टेड सच अ प्ली एंड डिनाइड रिलीफ टू एग्रीड वाइफ दीज प्रेसिडेंट्स पर फॉलोड बाई सम हाई कोर्ट्स ऑल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस लेकिन शमी महारा वर्ष स्टेट ऑफ यूपी दो में लाहौती कॉन्फिडेंटली हेल्ड दट अंडर मुस्लिम लॉ मुस्लिम लॉ में एक प्रॉपर प्रोसीजर की आप कैसे तालाक दे सकते हो आप यहां पर पंद्रह साल के बाद आकर ये नहीं कह सकते कि मैंने तो क्वाइटली डावोर्स दे दिया था दैट देर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर तालाक एंड दैट अनलेस द हजबैंड प्रूव मेटिकुलस कंप्लाइंस विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर तो जब तक पर हस्बैंड यहाँ पर प्रूव नहीं कर देता कि उसने तलाक कब और कैसे दिया था तो उसका जो क्लेम है कि उसने वाइफ को डिवोर्स दे दिया है वो नहीं माना जाएगा तो हिज क्लेम ऑफ हैविंग डिवोर्स द वाइफ कांट बी एक्सेप्टेड तो एक तो ये केस है दूसरा केस अभी हम और डिस्कस करेंगे अब जो दूसरा केस ये है बेसिकली एन अनकंडीशनल परमिशन फॉर पॉलीगैमी इज इरोनियसली बिलीव्ड बाय सेक्शंस ऑफ कॉमन मुस्लिम्स अब मुस्लिम्स में ये माना जाता है कि पॉलीगैमी अलाउड है अंडर दिस मिस्टेकन इम्प्रेशन अब मुस्लिम्स ये मानते हैं कि पॉलीगैमी अलाउड है तो अब इस इंप्रेशन में उनको ये लगता है कि अगर उनके पास मल्टीपल वाइफ्स हैं तो सब वाइफ्स के साथ उनके चिल्ड्रन हो सकते हैं और ये उनका प्रिवेलेज है तो अंडर दिस मिस्टेकन इम्प्रेशन दे थिंक दैट हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम ईच ऑफ द मल्टीपल वाइफ शुड ऑल्सो बी डीम्ड एज अ रिलीजियस प्रिवलेज अगर कोई भी जनरल ऑफ द कंट्री इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करेगा तो बेसिकली उनका यही कहना होगा कि ये हमारे रिलीजियस लॉज के साथ कुछ पर छेड़खानी कर रहे हैं और इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो एनी जनरल लॉ ऑफ द कंट्री विच इवन इन द रिमोटेस्ट वे कटेज देयर एलिजिड फ्रीडम्स इन दीज मैटर्स इज सीन बाई द एज कन्फेरी टू द पर्सन ऑफ प्रोफेशनली डिवाइन ओरिजिन एंड दे सीक फ्रॉम इट अब क्या होता है हरियाणा स्टेट लॉ नाइनटीन नाइनटी फोर का उसका यह कहना था कि ग्राम पंचायत मेंबर्स जो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ग्राम पंचायत की उनके दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए अगर उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वो जिला परिषद के इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं द तो रिस्ट्रिक्शन वॉज मेट टू प्रमोट अब रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया था बेसिकली इसीलिए लगाया गया था ताकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो सके तो द रेस्ट्रिक्शन वॉज मेन टू प्रमोट स्मॉलर स्मॉल प्लान पेरेंट हुड अब एक मुस्लिम कंटेस्टेंट था जिसने प्लीड किया कि उसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं क्योंकि उसकी मल्टीपल वाइफ्स अगर उसकी चार वाइफ्स हैं सबके साथ दो दो चिल्ड्रन हैं तो आठ चिल्ड्रन हैं तो ऐसे देखा जाए तो उसको यहाँ पर इलेक्शन लड़ने से नहीं मना किया जाना चाहिए तो उसका ये मानना था कि पॉलीगैमी तो अलाउड है मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर पॉलीगैमी अलाउड है तो हर वाइफ के साथ यहाँ पर बच्चे भी अलाउड हैं फिर इस स्टेट लॉ को चैलेंज किया इस मुस्लिम कंटेस्टेंट ने और इसका ये कहना था कि रिलीजियस फ्रीडम क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मुझे अलाउड है तो ही सॉट एक्सक्लूजन फ्रॉम द टू चिल्ड्रन नाउ फिर इसकी अपील को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया बाई द देन सी जी आई लाहौती तो लाहौती रिजेक्टेड द फोलिश प्ली नो रिलीजियस स्क्रप्चर और अथॉरिटी हैज़ बिन ब्रॉड टू आर नोटिस तो यहाँ पर बेसिकली इनका यही कहना था कि हमारे सामने कोई भी ऐसा रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं आया है जिसमें यह कहा गया कि अगर आपकी चार बीवियां तो आपको चारों से ही बच्चे करने हैं तो हैं विच प्रोवाइड्स दैट मैरिंग लेस देन फोर वुमेन और अपस्टेनिंग फ्रॉम प्रूफ क्रिएटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी वाइफ इन केस ऑफ पोमिटेड बाइगेमी और पॉलीगैमी वुड बी इर रिलीजियस और ऑफेंसिव तो अगर आप यहाँ पर चारों वाइफ्स के साथ बच्चे नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप इर रिलीजियस हो या तो अपने रिलीजन के प्रति अब

तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वर्चुअल डिजिटल एसिड्स उनको यहाँ पर तीस परसेंट पर टैक्स किया जाएगा और यहाँ पर ऑफसेट नहीं किया जा सकता अगर कोई लॉस है फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बिटकॉइन में सौ रुपये का फ़ायदा हो गया और यहाँ पर एथेरियम में आपको सत्तर रुपये का नुकसान हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पर सिर्फ तीस रुपये ही टैक्स दूंगा नहीं आपको अगर सौ रुपये का फ़ायदा हुआ तो आपको सौ पर ही टैक्स देना पड़ेगा तो बेसिकली यहाँ पर यही बात बताई गई है कि लॉस फ्रॉम द ट्रांसफ़र

कई कोर्ट रूलिंग्स में ऐसा डिफाइन okay. किया गया कि वो एक एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पर इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट करके रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट एक्ट करके एक क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पर जो सेस है उसको एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो साइटिंग सम कोर्ट रूलिंग्स दैट हैड गिवन बेनिफिट टू टैक्स पे एंड क्लेमिंग सेसेस एक्सपेंडिचर और नॉट टैक्स तो सेस एक तरीके का टैक्स ही है उसको आप एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम नहीं कर सकते हो तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे